दोस्तों, क्या आप भी एक लैपटॉप यूजर हैं और आपके भी लैपटॉप पर बैटरी अलर्ट वाला प्रॉब्लम आ रहा है? बेसिकली हो ये रहा है, जब हम अपने लैपटॉप को चालू करते हैं तो वहां पर लिखा रहा है HP बैटरी लो, और यहां पर लिखा रहा है द सिस्टम हैज डिटेक्टेड द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द बैटरी स्टार्टेड बिलो टू वेरी लो। इसके बाद लिखा रहा है फॉर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस दिस बैटरी मनी नीड टू बी रिप्लेसलेट। इसके बाद नीचे आ रहा है प्राइमरी इंटरनल बैटरी 601, इस तरीके से नोटिफिकेशन लिख करके आ रहा है। इसके बाद नीचे लिखा रहा है इंटर कंटिन्यू टू स्टार्टअप, जब आप इंटर करेंगे तो आपका लैपटॉप स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आखिर ये लिखा क्यों आ रहा है और इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे सही कर सकते हैं, और एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है अगर आप इसे इग्नोर करते हो, तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना। आज के वीडियो में मैं आपको इस प्रॉब्लम का 100% वर्किंग सोल्यूशन बताने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो प्रॉब्लम है बैटरी अलर्ट वाला 100% सॉल्व हो जाएगा और फिर आपका लैपटॉप डायरेक्टली स्टार्ट होगा। दोस्तों नमस्कार, दोस्तों मेरा नाम है संदीप, स्वागत है आपका टेक किंग संदीप यूट्यूब चैनल पर। चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वैसे तो इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है नहीं, लेकिन आपको पता ही हम जुगाड़ू इंसान है, हमारे पास हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता ही है। तो आपको इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप को चालू करना है। चालू किया, इसके बाद जब वहां पर आएगा बैटरी अलर्ट वाला नोटिफिकेशन तो आपको इंटर दबानी है। इंटर दबाते ही आपका लैपटॉप ऑन हो जाएगा, ठीक है। ऑन होने के बाद उसको यूज कीजिए अच्छा से और उसका जो बैटरी है उसे पूरा लो कर दीजिए, ठीक है। उसमें जितने भी चार्ज है आप उसे पूरा लो कर दीजिए, इंटरनेट चलाइए, गाना चलाइए, वीडियो प्ले कीजिए और कुछ भी करो, लेकिन उसका जो बैटरी उसे पूरी तरह से लो कर दो। बैटरी लो करने के बाद फिर से स्टार्ट करो, फिर बैटरी लो हो जाएगा, फिर स्टार्ट करो फिर लो हो जाएगा, मतलब पूरी तरीके से आपको लैपटॉप की बैटरी को खत्म कर देनी है, ठीक है। खत्म करने के बाद आपको लैपटॉप को बिना चालू किए, आपका जब आपका लैपटॉप का बैटरी खत्म हो जाएगा तो आपका लैपटॉप तो बंद हो ही जाएगा ना, जब बंद हो जाएगा तो लैपटॉप को बिना चालू किए आपको चार्ज पे लगा देनी है और फुल्ली चार्ज होने देना है, ठीक है। पहले आपको लैपटॉप की जो बैटरी से पूरा डिस्चार्ज कर देनी है, ऑन ऑफ करके उसे डिस्चार्ज कर दो, उसके बाद बिना चालू किए आपको अपने लैपटॉप को चार्जिंग पे लगा देनी और फुल चार्ज होने दो, फिर आपको चार्जर को बाहर निकाल लेनी है, उसके बाद आप अपने लैपटॉप को चालू करो, आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो प्रॉब्लम है ना ये ओवर चार्जिंग की वजह से ही आता है। आप क्या करते हो, अपना काम करते रहते हो, इधर चार्जिंग पे लगा है तो ऐसे में क्या होता है आपका बैटरी फुल जाता है, जिसके वजह से आपके बैटरी पे ये दिक्कत आने लगती है। फिर लैपटॉप बार बार ये मैसेज देता है कि बैटरी को रिप्लेस करो, और ये सभी दिक्कत ओवर चार्जिंग का ही रीज़न है। जो प्रॉब्लम आ रही है ना बैटरी अलर्ट वाली, इसका रीज़न है ओवर चार्जिंग, आप ओवर चार्जिंग करते हो जिसकी वजह से दिक्कत आ जा रही है, राइट। तो आपको क्या करना है, लैपटॉप का पूरा चार्जिंग खत्म कर दो, गाने सुनो जो भी करना है आप करो, लेकिन आपका चार्जर खत्म होना चाहिए, ठीक है। पूरा डिस्चार्ज कर दो लैपटॉप को, फिर लैपटॉप को बंद हो जाएगा, बंद कंडीशन में आपको चार्जिंग पर लगा देनी है, फुल चार्ज हो जाएगा, फिर आप अपने चार्जिंग पॉइंट को निकाल दो, फिर आप अपने लैपटॉप को ऑन करो, दिक्कत खत्म हो जाएगा। और इन सब के बाद भी अगर आपके लैपटॉप पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपको सिंपली अपने लैपटॉप की जो बैटरी उसे चेंज कराना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, तब जाकर आपका जो लैपटॉप की जो प्रॉब्लम है बैटरी अलर्ट वाला ये सॉल्व होगा। क्योंकि आपके लैपटॉप की बैटरी पूरा ही खत्म हो गया होगा तो ये ट्रिक भी वहां पर काम नहीं करेगी, आपको नया बैटरी लगाना ही पड़ेगा। तो अब देख लीजिए आपके लैपटॉप का कंडीशन कैसा है, और अगर मैं जो ट्रिक आपको बताई इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं हो रहा तो फिर बैटरी चेंज कराइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में घंटे को भी दबा लेना। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो पर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री।